का क्या मूड बन रहा है वो आपके जरिए जानना चाहेंगे। देखिए, पहले फेज में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उसको लेकर जो मतदाता हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सीधे कह रहे हैं कि अपने इस मतदाता को वोट देंगे, जबकि कुछ लोग मन में रख रहे हैं। पहले मैं मेरठ की तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए लोगों में इन तस्वीरों को देखकर आपको नजर आ जाएगा कि कितना उत्साह है। जब पता लगा कि एबीपी गंगा की टीम यहाँ पहुंची है तो लोग उत्साहित हैं, काफी नजर आए और अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं कि उनके मन में क्या है। तमाम इलाके के मुआज्जिज लोग भी हैं, आसपास के गांव के इलाके के लोग भी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मूड क्या है। ताऊ जी, ये बता दीजिए, सबसे पहले चुनाव नजदीक है, 10 तारीख आ गई है और इस वक्त हम बैठे किठौर विधानसभा में। पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर भी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं और विधायक हैं सत्यवीर त्यागी वो भी हैं। मूड क्या है आपका? मूड गठबंधन का है जी। हमारा गांव तो ज्यादातर गठबंधन बजा रहा है, शाहिद मंजूर साहब बजा रहा है। अच्छा, और कोई नहीं सामने? नहीं, सामने त्यागी जी हैं पर वे फेल आदमी हैं बिल्कुल। पांच साल में कोई भी हमारे गांव में आ गए पैर भी नहीं रखा उन्होंने। हमारे गांव में जो भी करा है अब से पहले, अगर कोई विधायक रहा मंत्री रहा, शाहिद मंजूर साहब ने करा, जो भी करा, जो उन्होंने करा। आप बताइए, आगे आ जाइए, आपका मूड क्या, आप किसको सोच रहे हैं? देखो, गठबंधन अच्छा है लेकिन हमारे स्वर्गीय श्री अजीत सिंह ने कहा था जब 13 के दंगे हुए थे, उन्होंने वास्तविकता को देखा और उन्होंने कहा कि जहाँ पर सपा का झंडा वहीं समझो सपा का गुंडा। अजीत सिंह जब स्वयं कह चुके हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, तो वैसे हमारे जो प्रत्याशी श्री जो मंजूर साहब हैं बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं लेकिन पार्टी गलत। तो बीजेपी सबका साथ सबका विकास, अगर राशन दे रही सबको दे रही, पेंशन दे रही सबको दे रही, अभी जो 3-3 हजार रुपए खाते में डाले सबको डाले, किसान सम्मान निधि दे रही है वो सबको दे रही है। हमारे यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, तो यहाँ पर जो भी काम की बात हो रही है और मुद्दों के बीच मेरठ के बाद अब चलिए रुक कर लेते हैं जालौन का। जालौन से हमारे सहयोगी रतीश बने हुए हैं। रतीश, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो यहाँ पर